अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टिक कबाब तंदूरी स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम दो टाइप का चिकन स्टिक कबाब बनाएंगे, दो अलग अलग टेस्ट का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, ये हाफ हाफ केजी के मैंने बोनलेस चिकन है, इसकी पीसेस कट कर लिए हैं। ये देखिए हाफ केजी ये है, ये हाफ केजी है, ओके। उसके बाद यहाँ पर है रेड फूड कलर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन तंदूरी मसाला है ये मैंने हाफ कप लिया है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल सकता है किसी भी लोकल स्टोर से। उसके बाद यहाँ पर लेमन को, एक लेमन को स्क्वीज किया मैंने। ग्रीन चिली पेस्ट है 2 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 2 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये चिकन कबाब मसाला है, चिकन स्टिक कबाब मसाला सॉरी। ये इसकी रेसिपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये होममेड मसाला है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए तो इसकी भी वीडियो बना लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर है सॉल्ट, ये एज पर टेस्ट आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है दही, ये हाफ कप लिया है मैंने। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला जो है पहला चिकन स्टिक कबाब बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। चिकन के बाउल में दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, देन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, और जो ये रिमेनिंग 1 टेबल स्पून है ये दूसरे वाले चिकन में जाएगा। दैट्स जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, चिकन स्टिक मसाला, आप इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सॉल्ट, हमने जो एक लेमन स्क्वीज किया था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं, कोई फूड कलर, तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैरिनेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन का बाउल लेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, चिली पेस्ट आप अपने टेस्ट से ले सकते हो, आपको जितना चाहिए जाएगा। अब इसमें जिंजर पेस्ट, देन गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, रेड फूड कलर, सॉल्ट, एंड लास्ट में तंदूरी मसाला। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तंदूरी मसाला आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल सकता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप से। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। हो गए हैं कंप्लीट, हमारा चिकन भी जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे स्टिक में लगाएंगे। इस तरह से आपको सारी जो पीसेस है उसको स्टिक में लगा लेना है।
इस तरह से हमें सारे पीसेस को लगा जो है स्टिक में लगा लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन में जो है तेल गरम कर लिया है, हमारा तेल बिल्कुल गरम हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें स्टिक डालेंगे, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। स्टिक जो है वो फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। हमारी जो रेड स्टिक है वो फ्राई करेंगे। रेड स्टिक को भी उसी तरह से फ्राई कर लेना है आपने। याद रहे आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो ये आपका पूरा जल जाएगा और अंदर का पकेगा भी नहीं अच्छी तरह से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। रेड वाली स्टिक भी जो है वो फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसे निकाल लेंगे। चिकन स्टिक कबाब को तंदूरी इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है ग्रिल स्टैंड, या आप ले सकते हो किसी भी मार्केट से, कहीं भी मिल जाएगा आपको ये ग्रिल स्टैंड। आपको ग्रिल स्टैंड लेना है, इसे गैस पर रखना है और इसके गर्म हो जाने के बाद आपकी जो स्टिक है एक एक करके आपको इस पर रख देना है इस तरह से। तो आप घर में भी तंदूरी इफेक्ट ला सकते हो अपनी डिशेस में। आप चिकन कबाब, शामी कबाब, फ्राइड चिकन, किसी भी चीज़ को आप इस तरह का तंदूरी इफेक्ट दे सकते हो। उसके बाद एक मिनट बाद आपको इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल डालना होगा इस तरह से। देखिए हमने चिकन स्टिक कबाब को तंदूर का इफ़ेक्ट दे दिया है, इसमें तंदूर का टेस्ट आ गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है पूरी तरह से। आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है। अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।